शांति। आज की तारीख है 26/4/20 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त धारी मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो अव्यक्त ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 1/1/86 और 1/1/86 माना नया वर्ष। तो बाबा ने नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक दी है। तो क्या मुबारक में हमें बातें बताई है, नए वर्ष के लिए कौन सी नई बात धारणा करने के लिए बाबा ने बताई है, आइए सुनते हैं मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। तो शिव बाबा बोले, आज चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प के वायदे। नया वर्ष होता है तो नया उत्साह होता है, नया उमंग होता है, तो अंदर में आत्मा भी नए नए संकल्प करती है। पूरा वर्ष हम क्या करेंगे उसके प्लान के संकल्प करती है। तो बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों ने भी अमृत वेले से लेके क्या किया, श्रेष्ठ संकल्प में स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग और उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों से भरे मन के गीत, मन के मीत के पास पहुँचाए। हाँ, तो वो पहुँचे तो मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को, हाँ नशा चढ़ता है सभी को कि बाबा हमें अपने मन का मीत कह रहे हैं। और फिर बाबा कहते गॉडली फ्रेंड्स, तो सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। नए वर्ष में हम सभी को मुबारक देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो बाबा भी हमें बधाई देते हैं। कहते हैं सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। तो सभी ने बाबा से आशीर्वाद ली, अनुभव किया, ना किया हो तो फिर एक सेकंड याद में बैठकर अनुभव करिए। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी बच्चों को, आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता है। ऐसे ही
सदा नया साज हो, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो, तो मुबारक ज़रूर देते हैं। फिर व्यक्ति भी यदि नई आती है मेहमान बनकर, तो भी हम परिवार वालों को बधाई देते हैं, तो मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सब के लिए सदा ही नया है, संगम युग की ये विशेषता है, क्योंकि संगम युग ही नया है, नई दुनिया में ले जाता है, तो इसीलिए संगम युग की ये विशेषता है। अच्छा, अभी क्या सुनेंगे? अव्यक्त प्राण प्यारे बाप दादा के मीठे मधुर याद प्यार, झोली भर कर के बाबा प्यार देते हैं और याद देते हैं। तो सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर कर्म महान हो, एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो, कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ न हो। कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो वो अर्थ सहित हो, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है। हाँ, हम देवी देवताओं को देखते हैं कि आज उनको कितना लोग दिल से प्यार करते, सिर्फ प्यार नहीं करते लेकिन प्यार की चरम सीमा उनकी पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। स्लोगन है, मान की इच्छा को छोड़, मान की इच्छा को छोड़, स्वमान में टिक जाओ। स्वमान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। अगर मान चाहिए तो क्या करना पड़े? स्वमान में टिकना पड़े, तो ऑटोमेटिकली मान मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।